हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक कटोरी हम बेसन लिए हैं, आज हम बटाटा बनाने चले हैं आलू बेसन का। इसमें बाउल में एक कटोरी हम बेसन डाल दिए हैं, थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं, अजवाइन हल्का, स्वाद अनुसार नमक, इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं। देखिए, अच्छी तरीके से पहले मिला लेते हैं, तब हम पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा 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 करके पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो बेसन चिपक जाएगा। इस तरीके हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं इसमें। ये देखिए, इस तरीके से अभी थोड़ा गाढ़ा है तो हम और डाल लेते हैं, ज़्यादा पानी पहले नहीं डालना चाहिए। देखिए, तो इस तरीके से घोल बन के तैयार हो रहा है। इसको हम अच्छी तरीके से फेर दे रहे हैं। ये देखिए, घोल ना तो पतला ना तो गाढ़ा है, मीडियम है, एकदम सूखा भी नहीं है। इस तरीके से घोल हमारा बन गया है। इसमें एक चम्मच हम रिफाइन ऑयल डाल रहे हैं, इसको भी इसमें हम फेर दे रहे हैं। अब इसको हम ढक देते हैं, 10 मिनट के लिए, सभी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। इधर हम पैन रखे हैं, गरम हो रहा है, तो चम्मच हम सरसों का ऑयल डाल रहे हैं। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच छोटी राई है, ये 5 से 6 करी पत्ते डाल दिए हैं। इसको हल्का होने देते हैं। लहसुन, अदरक, मिर्ची, ये 2 चम्मच है दरबरा कूटा हुआ, इसको हम इसमें डाल दिए हैं। इसको अच्छे से हम मिला देते हैं ताकि ये भी तेल में अच्छी तरीके से भून जाए, हल्का हल्का ब्राउन होने लगे, तब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। ये देखिए, कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो गया, तो इसमें अब हम आलू ऐड कर दे रहे हैं। आलू हमने इस तरीके से फोड़ लिया था। इसमें हम चाट मसाला 1/2 चम्मच डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच मिर्चा डाल रहे हैं। मिर्चा हमने पहले से डाला हुआ, तो मिर्चा ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो तीखा हो जाएगा। स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर रहे हैं इसमें। इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से हम आलू के साथ भूंज लेते हैं मिला के। देखिए, इस तरीके से हम दबा दबा मिला रहे हैं ताकि आलू जो भी बड़ी छोटी है एक साइज की हो जाए। इसमें हम हल्का सा हींग डाल रहे हैं बाद में, और हरी धनिया, हींग का फ्लेवर बाद में ही डालना चाहिए ताकि बना रहता है। देखिए, हरी धनिया डाल दिए हैं इसमें, इसको अच्छी तरीके से मिला दिए। इधर ये हमारा सेट हो गया है, इसको में हम हल्का सा सोडा डाल रहे हैं, सोडा बाद में हम डाल रहे हैं, इसको भी फेंट लेते हैं। ये देखिए, घोल गाढ़ा है हमारा और अच्छी तरीके से सेट हो गया है। इसको अच्छी तरीके हम घोल लेते हैं। आलू इधर ठंडा हो गया है, तो इस तरीके से हम पेड़े बना रहे हैं आलू के गोले गोले। ये बटाटा रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट आता है, बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करते हैं, और बहुत ही जल्दी बन जाता है झटपट। तो इस तरीके से सभी पेड़े हम बना लिए हैं। देखिए, पेड़े बनके हमारे रेडी हो गए हैं। ये कढ़ाई रखे हैं, इसमें ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब इसमें एक एक करके हम इसको बाउल में डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से बेसन में डुबोएंगे इस तरीके से। ये देखिए, पूरा डूब गया है बेसन में। अब एक एक करके, तेल गरम ही रखना, ठंडा नहीं ज़्यादा रहना चाहिए, नहीं तो चिपक जाएंगे। ये देखिए, एक एक करके हम इसमें डाल दे रहे हैं। ये डाल के ही हम तुरंत डला दिए थे ताकि चिपके ना, इस तरीके से हम इसको फ्राई कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, ब्राउन हो रहे हैं, इसको हमेशा डुलाते रहिए, नहीं तो एक तरफ ज़्यादा पक जाएगा।
ये बराबर पक गया है, ब्राउन हो गया है, इसको हम निकाल ले रहे हैं। ये देखिए खिले खिले हमारे बटाटा बन के रेडी हो रहे हैं। इस तरह जो बचा हुआ है मैं उसको भी डाल दे रही हूँ। ये सभी बन के रेडी हो गए हैं और मिर्चा बीच में हम कट कर लिया था तो इसको हम तेल में डाल दिए हैं। ये मिर्चा भी हमारा फ्राई हो गया है इसके साथ। ये देखिए खिले खिले बटाटा हमारे बनके रेडी हो गए हैं। अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।